इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अंदर एक डायग्राम बनाएं, जब ये करना होगा अटेम्प्ट डायग्राम के साथ करें, मैंने डायग्राम बनाया नहीं है, आप बनाएं। तो आप एक ब्लॉक बनाएं जिसका मास है एम, इस ब्लॉक पे आपने फोर्स एफ लगाई, वेक्टर में लिखना एफ वेक्टर, इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर था यू वेक्टर, फोर्स लगाने से वेलोसिटी बढ़ गई और कितनी हो गई वी वेक्टर। तो फोर्स लगाने से वेलोसिटी बढ़ गई यू वेक्टर से, क्या हो गया वी वेक्टर, कोई डाउट इसमें? और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने फोर्स लगाई, और फोर्स कितनी देर के लिए लगाई? टी टाइम के लिए लगाई। तो इसका इनिशियल मोमेंटम वेक्टर क्या होगा? एम इंटू यू वेक्टर। इसका फाइनल मोमेंटम वेक्टर क्या होगा? एम इंटू वी वेक्टर, एम इंटू यू वेक्टर, एम इंटू वी वेक्टर। ये ब्लॉक को आपने फोर्स लगाई, वेलोसिटी बढ़ गई, यू से वी हो गई। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? एम इंटू यू। फाइनल क्या है? एम इंटू वी। वेक्टर वेक्टर लगा लेना, जो क्वांटिटी वेक्टर है। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहती है कि इसमें जो इम्पल्स होगा वो पता है क्या होगा? फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। वो तो आपको वो तो पहले ही पता था, ये कोई थ्योरम थोड़ी ना है। थ्योरम ये नहीं है, थ्योरम ये है इम्पल्स निकालने का पहला तरीका फोर्स इंटू टाइम, और इम्पल्स निकालने का दूसरा तरीका चेंज इन मोमेंटम। तो जो भी मोमेंटम का चेंज होगा वही आपका इम्पल्स होगा। तो इम्पल्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो फोर्स इंटू टाइम या चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव लिख लेना, ये प्रूव करना है। ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये प्रूव करने जा रहा हूं मैं। इसे लिख लें, टू प्रूव इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं इसकी स्टेटमेंट, स्टेटमेंट लिखनी है स्टेट एंड प्रूफ। इट स्टेट्स दैट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इम्पल्स अप्लाइड ऑन इट। तो इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम और चेंज इन मोमेंटम एक ही बात है। ये मैं प्रूव करने जा रहा हूं, देखो कैसे। प्रूव करने के लिए मैं न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करूंगा। तो पहला स्टेप एफ इज डी पी बाई डी टी, पहला स्टेप सबको क्लियर? और वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसमें पी भी वेक्टर है एफ भी वेक्टर है, राइट? पहला स्टेप क्लियर। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी पी वेक्टर एफ इंटू डी टी, ये भी क्लियर? वैसे तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम दिख ही रही है, देखो स्मॉल चेंज इन मोमेंटम और ये इम्पल्स है फोर्स इंटू टाइम, पर हमने तो टोटल चेंज निकालना है। तो दोनों साइड्स की इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन मोमेंटम की है तो लिमिट मोमेंटम की ही लगेगी। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? पी वन वेक्टर, फाइनल क्या है? पी टू वेक्टर, वेक्टर लगाना। और टाइम की लिमिट 0 से टी। वन डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या हुआ करती थी? एक्स। वन डी पी की क्या है? पी। तो ये पी वेक्टर कहां से कहां? पी वन वेक्टर से पी टू वेक्टर। फोर्स कांस्टेंट बाहर आ गया। वन डी टी की इंटीग्रेशन क्या होती है? टी। तो ये क्या आ गया? फोर्स इंटू टाइम क्या है? इम्पल्स। और ये क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम। इसे बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये प्रूव हो गया। तो यहां तक आपने करके आना है, वैसे कुछ करना ही नहीं है, न्यूटन के सेकेंड लॉ को क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखा के आना है। तो क्या ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक?